हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया उन्होंने। कुछ लोगों के पेट में दर्द है, उसका क्या इलाज करें, दुष्यंत चौटाला ने बड़ी बात कही है। बीरेंद्र सिंह ओचाना में किए विकास कार्यों की लिस्ट लगाएं, बीरेंद्र सिंह 95 कामों की लिस्ट लगाएं तो मैं 195 की लिस्ट लगा दूंगा। दुष्यंत चौटाला ने ओचाना में किए गए काम गिनवाए, कहा नागपुर के बाद देश का दूसरा फायर ट्रेनिंग सेंटर ओचाना में बन रहा है, हॉर्टिकल्चर का रीजनल सेंटर बन रहा है, ओचाना में नया बाईपास बन रहा है और हीरो होंडा अपने स्किल सेंटर यूनिट यहां से बना रहा है। तो ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही है। इससे पहले आपको एक बार याद दिलवा दें कि बीजेपी के सांसद बृजेंद्र सिंह और उनके पिता बीरेंद्र सिंह दोनों के दोनों दुष्यंत चौटाला को जेजेपी को सीधे निशाने पर ले रहे थे। गठबंधन को लेकर खुद बीजेपी आलाकमान को नसीहत दी जा रही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन ना करने की सलाह इस बात को लेकर दी जा रही थी कि बैसाखी की जरूरत नहीं है बीजेपी को। अब इस पर ओचाना में जाकर भी बीरेंद्र सिंह ने ओचाना की जनता को लेकर भी कई बात कही थी कि कैसे दुष्यंत चौटाला को जिताया गया, उसको लेकर भी सवाल उठाए थे। और खुद प्रेमलता जो कि बीरेंद्र सिंह की पत्नी है, उन्होंने भी कई बातें कही थी। अब जाकर दुष्यंत चौटाला खुलकर कहते नजर आए हैं कि अगर बीरेंद्र सिंह 95 काम बता दे, लिस्ट लगा दे पहले की, तो मैं 195 काम गिनवा दूंगा। और इसी लिस्ट में, इसी फहरिस्त में उन्होंने काम गिनवाए भी है। यह अपने आप में बड़ा बयान माना जा सकता है और एक बड़ा निशाना साधा है बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह पर। दुष्यंत चौटाला ने राजनीतिक धुर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले भी हैं। बृजेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ा था दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, सभी ये जानते हैं। और उचाना में जब चुनाव लड़ा गया दुष्यंत चौटाला की ओर से, तो सामने बीरेंद्र सिंह का परिवार ही था। तो ऐसे में अब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है ये लगातार जारी है और आने वाले चुनाव में भी ये जारी रह सकती है। ऐसे व्यक्ति को गिनाने के लिए जरूरत नहीं है जो आके अपने खून का रिश्ता बनाता है और 10 साल के राज में इस क्षेत्र को पिछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता। आज बाईपास यहाँ बन रहा है, NHAI का अप्रूवल आ चुका है, यहाँ पर फायर ट्रेनिंग सेंटर जो कि नागपुर के बाद देश का दूसरा होगा वो बनेगा। हमारा जो ये हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर है, इससे कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को इस एरिया में कैसे महत्व मिले उसके ऊपर काम चल रहा है। प्रदेश के अंदर हमने मारुति, हीरो और होंडा तीनों कंपनीज के स्किल डेवलपमेंट सेंटर हमारी ITI से जोड़ने का काम किया। आज चाहे सड़कों का विस्तार हो, चाहे बरसोड़ा माइनर जो आज से 35 साल पहले बनी थी, उसकी पूरी मॉडिफिकेशन से किसान के खेत तक प्रॉपर पानी पहुंचाने की बात हमने कर दिखाया। और मुझे लगता है मेरे पास तो कलोई में भी गिनाने को बहुत है। उचाना हल अगर वो गिनाने का काम करे तो बेहतर।